जय हिंद फ्रेंड्स, आज एक बार फिर आपका अवधनामा में भारत समाचार चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कहानी की शुरुआत फिर से करूंगा मैं आज। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया वर्ण व्यवस्था कितनी अद्भुत व्यवस्था है भारतीय संस्कृति की, अद्भुत। एक तरफ जहां सोशल डिवीजन को साइंटिफिक बनाती है, आज भी समाज में सबसे ताकतवर कौन? जिसके पास ज्ञान है, सदगुरु पंडित रविशंकर। आज भी आप अगर ना देख पाए वो एक अलग बात, आज भी समाज में सबसे ताकतवर है ज्ञानी, जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास ब्रह्म है। मुकेश अंबानी जी की बेटी की शादी थी, उसमें बड़े बड़े पैसे वाले लोग आए, बॉलीवुड के स्टार्स आए, काम किया, सर्व किया, खाना लगाया। किसी संत महात्मा को, ज्ञानी को आपने देखा खाना लगाते हुए? ज्ञान की ताकत, असीम ताकत। आजाद शत्रु सिंहासन से उतर आता था नीचे, यह है ज्ञान की ताकत। अकबर सलीम चिश्ती की चप्पलें उठाता था, यह है ज्ञान की ताकत। आज भी सर्वोपरि कौन? ज्ञानी, ब्राह्मण, ज्ञानी। दूसरा सबसे ज्यादा सम्मान इंडियन आर्मी, वॉरियर क्लास, योद्धा। तीसरा बिजनेसमैन, वैश्य, अंबानी, अडानी। और चौथा वर्किंग क्लास। सोशल डिवीजन, वर्किंग क्लास। किसी भी कार्यालय में, किसी भी ऑफिस में जो कार्यालय जो वर्किंग क्लास है, मजदूर है, वर्कर है, उसकी ट्रीटमेंट देखिए आप। सामाजिक सोशल डिवीजन जो आज रेलेवेंट है, लेकिन अगर हम इसे आध्यात्मिक पहलू पर अपना लें, फिर मेरी बात पर गौर करिएगा, लेकिन हम इसे अगर आध्यात्मिक पहलू पर अपना ले तो वो जो सोशल डिवीजन में सबसे नीचे बैठा है वो सबसे ऊपर पहुंच जाए। यही तो महानता है संस्कृति की। लेकिन सबसे ऊपर पहुंचने के लिए उसे क्या करना होगा? ज्ञान पाना होगा, ज्ञान। तभी तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर की एक लाइन पर मैं फिदा हूं। वैसे उनका सोचने का ढंग, उनका एनालिसिस करने का ढंग लाजवाब। भारत के विद्वानों की श्रेणी में वो एक अद्भुत सितारे हैं। लेकिन एक बात जो उन्होंने पकड़ी कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर तुम दहाड़ना चाहते हो, अगर तुम समाज के उच्चतम सोपान पर पहुंचना चाहते हो, तो एक ही अस्त्र है जो तुम्हें महान बना सकता है, और वो है ज्ञान। तुम कहीं भी हो, डरने की कोई बात नहीं, डिप्रेस होने की कोई बात नहीं, परेशान होने की कोई बात नहीं, है ही नहीं। उम्र की कोई बात नहीं, कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा। कितनी बड़ी चीज इस संस्कृति ने तुम्हें दे रखी है कि तुम कहीं भी समाज में बैठे हो, कहीं भी किसी भी स्तर पर बैठे हो, उत्थान करना चाहते हो ना, ज्ञान। इतने बड़े सीसीडी कैफे के मालिक को सुसाइड करना पड़ा, डिप्रेशन नहीं संभाल पाए। शायद ही इतिहास में भारत के किसी संत ने, शायद। कितनी चुनौतियां मिली उन्हें, कितने संत हैं भारत के जिन पे लोगों ने पत्थर मारा, गाली दी, भगाया। बुद्ध के जीवन में एक उल्लेख है कि एक व्यक्ति उनके पास आता है, थूकता है मुंह पे, आनंद तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। अरे बुद्ध ने कहा रुको, और थूकना है भैया? उसने कहा नहीं। हाँ बोले जा। दूसरे दिन फिर आया, वो पैर पकड़ लिया, गुरु जी। ये है भारतीय संस्कृति की महिमा। हमारे देश के लोग डिप्रेशन में है, हमारे देश के लोग परेशान है, चुनौतियां तो सभी है। वर्ण व्यवस्था दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, सामाजिक।
उत्तर वैदिक काल की है, लेटर वैदिक पीरियड की है, गोत्र व्यवस्था आज भी चल रहा है, बहुत सारी जातियों में, बहुत सारे समाज के वर्ग में आज भी चल रहा है। बहुत सारे तो आज भी गोत्र के मुद्दे पर बहुत कट्टर है। आज तो साइंटिफिक पहलू भी आ गया, वैज्ञानिक पहलू, कि जितनी दूर का रिश्ता होगा उतना बच्चा अच्छा पैदा होगा, जितना दूर का रिश्ता होगा। लेकिन गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में, उसका क्या मतलब रहा होगा, उसका क्या महत्व रहा होगा? बहुत बड़ा महत्व। हमारी माताएं, बहनें, बेटियां जो हमारे सामने बैठी हैं, सुने, पिछले 2000 साल इस व्यवस्था ने कैसे उनके विकास को रोका, कैसे जिन लोगों ने भी इसे माना उसने इस विकास को रोका कैसे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण पहलू गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में। पहला प्रश्न है क्यों? मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई उत्तर वैदिक काल में कि गोत्र व्यवस्था का जन्म हुआ, और कैसे ये स्त्रियों की संकट का कारण बना? बहुत ध्यान से इस बात पर गौर करिएगा कि कैसे पैदा हुई और कैसे ये स्त्रियों की संकट का कारण बना। अब उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक भरण पोषण अर्थव्यवस्था, उत्तर वैदिक कृषि अर्थव्यवस्था की शुरुआत, अभी अतिरेक नहीं पैदा हुआ। अतिरेक मतलब सरप्लस, ठीक है। एक आदमी है, एक ऑटो चलाता था, 30,000 रुपए महीने कमाता था। अब उसने एक ऑटो और ले लिया, 60,000 रुपए महीने कमा रहा है। आय में वृद्धि हुई, इनकम थोड़ी सी बढ़ी, लेकिन सरप्लस नहीं है। अभी वो 1,00,000 रुपए महीने नहीं कमा रहा है, अभी वो 2,00,000 रुपए महीने नहीं कमा रहा है, सरप्लस नहीं है। तो जब सरप्लस नहीं है तो अभी स्थायी सेना भी नहीं है। हालांकि कुछ उसके ऐसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं स्थायी सेना के, दिखाई पड़ते हैं, लेकिन स्थायी सेना जो स्टैंडिंग आर्मी हम देखेंगे बुद्ध काल में, ऐसा कुछ नहीं दिखता। ऐसा लगता है कि स्थायी सेना अभी भी पैदा नहीं हो पाई, क्योंकि अतिरेक नहीं है। इनकम में वृद्धि हुई, अतिरेक नहीं है, सरप्लस नहीं है। अब जो आदमी 1,50,000 रुपए सैलरी पा रहा है, 1,00,000 रुपए सैलरी पा रहा है, वो 20,000 का ड्राइवर कैसे अफोर्ड करेगा? वो मारुति डिजायर खरीद ले किस्त पर, यही बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो ड्राइवर अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ये स्थिति है उत्तर वैदिक काल की। अब आप गौर करो, स्थायी सेना की सूचना नहीं मिल रही है, स्थायी सेना नहीं है। कृषि अर्थव्यवस्था की शुरुआत, राज्य का जन्म। अब ये तीन चीज सामने रखो, ड्रायंगल बना लो तुरंत। राज्य का जन्म, कृषि अर्थव्यवस्था की शुरुआत और स्थायी सेना की सूचना का अभाव। अब जब विस्तार हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा जमीन कब्जा करनी है, अरे जिनके घर गांव में है उन्हें समझाने की जरूरत ही नहीं। आज तो एक एक बिस्से पे फौजदारी हो रही है, लड़ाई हो रही है, हत्या हो रही है। अब जमीन का विस्तार, जमीन पर कब्जा, युद्ध। अब शक्ति में वृद्धि करनी है, लेकिन आर्थिक स्तर से नहीं हो सकती। क्या बात है, पैराडॉक्स देखो, विरोधाभास। जमीन पर कब्जा करना है तो युद्ध होगा, युद्ध होगा तो शक्ति में वृद्धि करनी है, ताकत बढ़ानी है, लेकिन आर्थिक स्तर पर नहीं हो सकता। पैसे के बल पे सेना नहीं रख सकते, तब कैसे बढ़ाए शक्ति? तो अब मेन मुद्दा क्या है कि शक्ति कैसे बढ़ाए। अब वत्स गोत्र मेरा है, तो अगर मैं वत्स गोत्र में ही शादी करूं तो एक परिवार में ही विवाह हो जाएगा, परिवार परिवार में ही रह जाएगा। लेकिन मेरा वत्स गोत्र है, मैं जिस कबीले का हूं उसका वत्स गोत्र है, और दूसरे कबीले का गोत्र है अत्रि। तो वत्स गोत्र ने जब अत्रि गोत्र में शादी किया तो दो कबीले मिले, दो परिवार मिले, तो वैवाहिक समझौते ने, वैवाहिक रिश्ते ने राजनीतिक शक्ति में वृद्धि की। फिर से रिपीट करूं कि वत्स गोत्र के लड़के ने अगर वत्स गोत्र की लड़की से शादी की तो परिवार में ही विवाह,
लेकिन अगर वत्स गोत्र के लड़के ने अत्रि गोत्र की लड़की से शादी की तो दो अलग परिवार वैवाहिक रिश्तों ने राजनीतिक शक्ति में वृद्धि की। अरे बिंबसार ने यही तो किया। मगध का जो राजा है कौशल में शादी कर रहा है तो मगध और कौशल रिश्तेदार हो गए तो दोनों ने मिलकर अंग पे कब्जा कर लिया। बिंबसार ने किया, आजाद शत्रु ने किया, चंद्रगुप्त मौर्य, सेल्यूकस निकेटर, वैवाहिक संबंध चंद्रगुप्त वन, कुमार देवी, गुप्त राजवंश के शक्तिशाली होने का एक अहम कदम, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का गुजरात पर कब्जा किसकी वजह से, वैवाहिक संबंध। गुप्त काल में बताऊंगा मैं आपको गोत्र व्यवस्था। वैवाहिक संबंधों ने राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। इसलिए आज भी विवाह आज भी मुख्यतः दो परिवारों के बीच होता है, दो व्यक्तियों के बीच नहीं होता आज भी। अब आप हमसे कहेंगे तो भाई साहब इससे स्थिति पर संकट कैसे आया। हाँ, दूसरा सवाल, ये कैसे पैदा हुई वो स्पष्ट। अब सवाल ये उठा कि इससे स्त्री पे संकट कैसे आया, स्त्री पे गोत्र व्यवस्था ने स्त्री पे संकट कैसे ला खड़ा किया। जब भी हम किसी को इस्तेमाल करना चाहते हैं हम उसको ताकतवर नहीं बना सकते, जब भी हम किसी का शोषण करना चाहते हैं हम उसको शक्तिशाली नहीं बना सकते। नियम है ये, न्यूटन का चौथा नियम। नहीं बता पाया था, हमसे कहा कि अवध भाई बता दीजिएगा, हमने कहा बता देंगे। जिसका भी शोषण करना है उसको तुम शक्तिशाली नहीं बना सकते। अब स्त्री को इस्तेमाल करना है किसके लिए, राजनीतिक शक्ति में वृद्धि के लिए। अब मान लो राजा है घनश्याम, उनका बेटा है, और एक राजा है सीताराम, उनकी बेटी है। राजा घनश्याम का बेटा और राजा सीताराम की बेटी। अब बेटी है मेनका की तरह अति सुंदर और लड़का है अति सामान्य, सामान्य 5'2" हाइट, सांवला सा रंग, चपटी हुई नाक। तो अगर मेनका शक्तिशाली होगी तो ऐसे लड़के से शादी नहीं करेगी, संभव ही नहीं। तभी तो पहले क्या कहते थे, आज भी बहुत जगह कहते हैं कि लड़की तो गाय है भैया, चाहे जिस खूंटे से बांध दो। अब स्त्री को इस्तेमाल करना है किसके लिए, राजनीतिक शक्ति में वृद्धि के लिए। तो अगर उसे इस्तेमाल करना है तो कमजोर करना है। तो यहीं पर इतिहास में बहुत बड़ी घटना घटी। माताओं बहनों बेटियां हमारी गौर करिएगा, यहीं पर इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना घटी। उत्तर वैदिक काल में शूद्र के साथ, शूद्र को सेवा करना है, उसको ज्ञान दे दोगे वो पंडित रविशंकर हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा, कहां सेवा करेगा आपकी। तो शूद्र से भी शिक्षा का अधिकार छीन लिया और स्त्री से भी शिक्षा का अधिकार छीन लिया। उत्तर वैदिक काल की सबसे बड़ी घटना शूद्र और स्त्री के उपनयन संस्कार का अंत। सोचो बाबूजी भैया, यानी शक्ति पाने के लिए मोटिवेशन सुनने की जरूरत नहीं है। यही तो मैं आपसे बार बार कहता हूं, इसी बात पर तो मैं आपको बार बार जगा रहा हूं, इसी बात को तो मैं आपसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं। शक्ति का स्रोत है शिक्षा, शक्ति का स्रोत है ज्ञान। सुकरात को जहर पिला दिया, सुकरात आज तक नहीं मरा सुकरात। पता है क्यों, क्योंकि ज्ञान का धन था उसके पास। मंसूर, काट डाला मंसूर को, मंसूर आज तक नहीं मरा, आज तक। भारत में तो, भारत महानतम मुल्क है, यहां के लोग आप कुछ भी बोलिए आपको मारेंगे नहीं, सिंपति करेंगे आपके ऊपर, दया। कबीर दास जी बनारस में बैठे हैं, बनारस में
ब्राह्मण धर्म का केंद्र, और वहां कहते हैं कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते तो चकिया भली पीस खाए संसार, किसी ने नहीं मारा। यही तो इस देश की महानता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और लिबर्टी। इस देश में आधुनिक काल की देन नहीं, इस देश के रग रग में बसा हुआ है। आज तो हमारे भाई बहन छोटे छोटे बात में भड़क जाते हैं, सुनते ही नहीं, काउंटर ही नहीं करते, डिबेट ही नहीं करते। यानी भारत की संस्कृति के अनुसार शक्ति का सोर्स क्या है? शिक्षा। हर आदमी को शिक्षित होना चाहिए, हर आदमी को ज्ञान लेना चाहिए, हर आदमी को ज्ञान के रास्ते पर बढ़ना चाहिए। और उत्तर वैदिक काल के समाज की सबसे बड़ी घटना है शूद्र और स्त्री की शिक्षा का अंत। तो अब मैं आपको न्यूटन का पांचवा नियम बताने जा रहा हूं, D इज इक्वल टू एस प्लस ई। अब आपने क्या सीखा इससे? कहानी का उद्देश्य क्या होता है? कहानी का उद्देश्य होता है आनंद और शिक्षा, मजा और मैसेज। ये जो आप हमसे इस कहानी को सुन रहे हैं, इसमें सिर्फ मजा मत लीजिए, मैसेज भी लीजिए, सीखिए भी। इतिहास की कहानी के दो पहलू हैं। पहला पहलू मजा आना चाहिए, और दूसरा पहलू मैसेज, शिक्षा मिलनी चाहिए, ज्ञान मिलनी चाहिए। डी इज इक्वल टू एस प्लस ई। अभी तो आपने पहला ही सुना होगा, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मैं बताता हूं फॉर्मूला, डी इज इक्वल टू एस प्लस ई। किसी को अगर दास बनाना है, डी यानी दास, तो क्या करना होगा? उसकी शक्ति छीन लो। कैसे? शिक्षा खत्म कर दो। डी इज इक्वल टू एस प्लस ई, डी दास, एस शक्ति, ई एजुकेशन। क्या फॉर्मूला है? किसी को दास बनाना है, किसी को गुलाम बनाना है, शक्ति छीन लो, और शक्ति का मूल स्रोत क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन छीन लो। आज भारत की एजुकेशन प्रणाली, आज भारत का युवा, भारत के युवा में कोई कमी नहीं है। भारत का युवा तो आज भी भगत सिंह है, भारत का युवा तो आज भी सरदार भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, सुभाष चंद्र बोस है, असफाकुल्ला खान है, राजेंद्र लहड़ी है, तो कमी कहां हुई? ये जो शिक्षा प्रणाली अभी तक थी, ये उनके दिमागों को जिंदा नहीं कर पाई। कुछ भाग्यशाली रहे जिनको, जिनके मां बाप को समझ में आता कि शिक्षा का मतलब क्या है। कुछ भाग्यशाली रहे जिनको श्रेष्ठतम शिक्षक मिले, कुछ भाग्यशाली रहे जिनको श्रेष्ठतम संगत मिली। शिक्षा मतलब शक्ति, और शक्ति कैसे? दिमाग के जिंदा होने से। अब इस गोत्र व्यवस्था का वर्णन कहां है? कोई पूछ ले आपसे कि उत्तर वैदिक काल में किस ग्रंथ में? अथर्ववेद में, अथर्ववेद में। और यह व्यवस्था इतनी सशक्त तौर पर लागू हुई कि इसके उल्लंघन करने पर दंड का भी विधान था। उस दंड का नाम था चंद्रायन। सोचिए, जब भी किसी कानून के साथ कठोर दंड लग जाए, इसका मतलब समाज उस कानून को जबरदस्त तरीके से लागू करना चाहती है। तो गोत्र व्यवस्था अद्भुत व्यवस्था, अद्भुत व्यवस्था आज के स्तर पे, साइंटिफिक स्तर पे, कि जितनी दूर शादी होगी उत्ना अच्छा बच्चा होगा। लेकिन उस वक्त उत्तर वैदिक काल से इसका उद्देश्य था वैवाहिक संबंधों के आधार पर राजनीतिक शक्ति को बढ़ाना। ऐसा उदाहरणों से प्रतीत होता है। बिंबसार, आजाद शत्रु, चंद्रगुप्ता मौर्य, चंद्रगुप्ता वन, ये सारे उदाहरणों से प्रतीत होता है। फिर वर्ण व्यवस्था, सामाजिक वर्गीकरण, सोशल क्लासिफिकेशन, जिसका आध्यात्मिक पहलू इतना महान है कि मानव को भगवान बनाने की क्षमता रखता है। सोचिए, इस भारतीय संस्कृति का लोग, इस भारतीय संस्कृति का आदमी परेशान हो सकता है जिसके पास इतने बड़े बड़े अस्त्र हो? मैंने जब मां सरस्वती के आशीर्वाद से पढ़ना शुरू किया, मैंने जब अपने गुरुओं के आशीर्वाद से पढ़ना शुरू किया, श्री आशुतोष महाराज जी, महाराज अड़गणानंद,
जब मैंने इन लोगों के आशीर्वाद से पढ़ना शुरू किया और इन्होंने कहा ज्ञान चक्षु, हमारे यहां ज्ञान चक्षु कहा गया, आंखें खोलो, सिर्फ पढ़ो मत, सोचो, देखो, विजुअलाइज करो। तोता बनने के लिए शिक्षा थोड़ी है, शिक्षा का उद्देश्य तोता पैदा करना नहीं है। आज भी हमारे घरों में जब हमारे यहां मेहमान आते हैं, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बुलाया जाता, चलो भाई बबलू इधर आ, अंकल को पोएम सुनाओ। कवि है कि तुम्हारे दरबार में कवि है कि बार बार बुला के पोएम सुनवाते हो? बच्चों का सम्मान करिए। अरे मेरे बेटे को अंग्रेजी की पोएम आती होगी, गांधी जी को नहीं आती रही बचपन में, कितना महान नाम है। बच्चों को के दिमाग को जिंदा करने का प्रयास करिए, मारिए मत उन्हें, उनसे कहिए कि शिक्षा शक्ति अगर तुम्हें मिल गई तो तुम डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, मंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर भगवान तक बनने की क्षमता पैदा कर लोगे। उनको सीमित मत करिए, उनको बांधिए मत किसी दायरे में। मारिए मत, शिक्षा एक बहुत, ज्ञान बहुत बड़ा दबाव होता है। मैं मां बाप से अपील करता हूं, आप बच्चों पे दबाव मत बनाइए, हमेशा मत बनाइए। बच्चों को तो रखना ही पड़ता है थोड़ा सा दायरे में, हमेशा मत बनाइए। तभी तो विवेकानंद कहते हैं जागो, जागो का मतलब यह नहीं कि सुबह 6 बजे उठ गए जागो, जागो मतलब इस ज्ञान चक्षु को खोलो और यह शक्ति अगर तुम्हें मिल गई तो तुम डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, मंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर भगवान तक बनने की क्षमता पैदा कर लोगे। नाव में डूबने का मामला सामने आया, हादसे नाव में डूबने का मामला सामने आया, बहुत ज्ञान बहुत बड़ा दबाव होता है। मामला के मामले उतरे तो युवक डूबे, घटना में एक युवक की तो रखना ही पड़ता है थोड़ा सा दायरे में। तभी तो विवेकानंद कहते हैं जागो, जागो का मतलब ये नहीं कि सुबह 6 बजे उठ गए जागो, जागो मतलब इस ज्ञान चक्षु को खोलो, इस जमीन से आसमान तक की बुलंदियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तीसरी सबसे बड़ी व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में जिसका जन्म होता है, लेकिन वो विकसित होती है बुद्ध काल में, बहुत बड़ी भारतीय संस्कृति की व्यवस्था, अद्भुत व्यवस्था, अतुलनीय। आप कहेंगे कौन सी व्यवस्था? आश्रम व्यवस्था। आज तो लोग आश्रम नाम को ही बदनाम कर दिए। आश्रम बहुत बड़ा शब्द है, श्रम जीवन का सूचक है, यह न्यूटन का 5वां नियम है। जब तक आप चल रहे हो, आपकी सांसें चल रही हैं, आपका हृदय चल रहा है, तभी तक आप जिंदा हो। श्रम जीवन का सूचक है, जीवन का। लेकिन श्रम दो तरह से होता है। आश्रम नाम देखिए क्या बात है, आ मतलब जगह, प्लेस, श्रम मतलब लेबर, ऐसी जगह जहां श्रम करना सिखाया जाए। आज तो अंग्रेजी में एक वर्ड लोग बोलते हैं स्मार्ट लेबर करो, स्मार्ट लेबर, चश्मा लगा के करे, नहीं नहीं, अच्छा जींस पहने, अरे नहीं भैया, तब कौन सा स्मार्ट लेबर करे। अब दो शब्द हैं, एक श्रमिक, एक श्रमण। श्रमिक मजदूर जो बेहोश है, जो बेहोश होकर श्रम कर रहा है, पता ही नहीं क्या कर रहा है। रिक्शा वाला रो रहा है, मेहनत कर रहा है, उससे पूछो कि भैया ये तुम रिक्शा ही क्यों चला रहे हो 10 साल से, कहता है भैया सब यह मत्थे में लिखा है। ये मत्था है कि डायरी है? श्रमिक। श्रमिक मतलब वो व्यक्ति जो बेहोशी में मजदूरी कर रहा है, और श्रमण मतलब जो होश में श्रम कर रहा है, बुद्ध होश में है। व्यवस्था इस देश के सभी व्यक्ति को श्रमण बनाना चाहती, श्रमण, लेकिन हमने शब्दों को भ्रष्ट कर डाला। अब इस देश में श्रमण का मतलब होता है सन्यासी जो घर छोड़ के भाग गया हो, नहीं, सन्यासी भी एक चॉइस है। आश्रम व्यवस्था इस देश के सभी व्यक्ति को श्रमण बनाना चाहती है। श्रमण मतलब जो जागकर होश में काम करे, जागृत आईएएस ऑफिसर, जागृत डॉक्टर, जागृत इंजीनियर, जागृत मंत्री, जागृत प्रधानमंत्री, और हो सके तो जागृत सन्यासी। क्या व्यवस्था है, मैंने आपसे कहा ना, अद्भुत व्यवस्था, अद्भुत। इस देश की संस्कृति के पीछे, चूंकि जो बाहर के लोग हैं
जब उन्होंने इन चीजों को पढ़ा, आपको पता है भारतीय संस्कृति पर जो अच्छी किताबों में से एक है वो एक विदेशी की किताब है, उस आदमी का नाम है एल बैशम। क्या गहराई की नॉलेज है उसके पास। आपको पता है जब कर्जन भारत आया तो उसने क्या कहा, कहा ईस्ट इज अ यूनिवर्सिटी वेयर अ स्कॉलर नेवर गेट्स अ डिग्री। कहा ईस्ट पूरब एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां स्कॉलर को कभी डिग्री नहीं मिलती। अथाह ज्ञान, अनंत ज्ञान, असीम ज्ञान, आश्रम व्यवस्था। तो जब ये बाहर के लोगों को इन सब बातों का एहसास हुआ, इन्होंने कहा अरे अगर ये सारी बातें ये लोग जान जाएं तो भारत तो सुपर पावर। आज हमारे देश के बच्चे मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं। ठीक है, एकदम आप मोटिवेशन क्लासेस भी करनी चाहिए, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, अच्छी बात है। कभी कभी मन उदास है, निराश है, हमारे देश में बड़े अच्छे अच्छे मोटिवेटर हैं, सुनिए उनको, अच्छी बातें बताते हैं, अच्छे एग्जाम्पल देते हैं, मैं भी खुद कभी कभी सुनता हूं। लेकिन मोटिवेशन पर महानता नहीं मिलेगी। मोटिवेशन तो एक चाय की तरह है, कभी मन किया तो ले लिया, कभी मन किया तो किसी की बात की अच्छी लगती है उसको सुन लिया। महानता मोटिवेशन से नहीं आएगी। तो महानता आएगी किससे? समझदारी से। समझो श्रम करना है, जीवन का आधार श्रम है। लेकिन कौन सा श्रम? जागृत श्रम, दुखी होके नहीं। मैं तो बड़े सारे मित्रों से मिलता हूं अपने जो तैयारी कर रहे हैं SSC बैंकिंग IAS, निराश है। सर कितना पढ़े? सर 5 साल से पढ़ रहे हैं, प्री ही नहीं निकल रहा है। तो दुखी हो? यह सोचनीय विषय है कि 5 साल से क्या पढ़ रहे हो भैया, ऐसा क्या पढ़ रहे हो 5 साल में कि तुम्हारे अंदर उत्साह नहीं पैदा हो पा रहा है। शिक्षा अगर उत्साह ना पैदा करे तो वो शिक्षा है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आपकी दिशा गलत है, कहीं ना कहीं आप श्रम गलत ढंग से कर रहे हैं। कई बार मेरे पास लोग आए, बोले साहब हम IAS की तैयारी करना चाहते हैं, हम एक अटेम्प्ट में निकालेंगे। हमने कहा तुम आधे में निकाल लो। बोले नहीं यार, निकालेंगे तो एक ही में ही, और निकालना है मुझे और किसी भी कीमत पे। मैंने कहा बिल्कुल, 10+2 किस बैकग्राउंड से? बोले साहब साइंस बैकग्राउंड से। अरे मैंने कहा बहुत अच्छी बात, एलिमेंट और कंपाउंड क्या होता है? बोले कंपाउंड इज अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट। अरे मैंने कहा आग लगाओगे, कंपाउंड इज अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट। आश्रम, आश्रम व्यवस्था पैदा कब हुई? उत्तर वैदिक काल में। उसका विस्तार कब हुआ? बुद्ध काल में। क्यों पैदा हुई? फिर वही क्वेश्चन आ गया। ये फॉर्मूला मेरा आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। Who is the mother of invention? Necessity. आप पढ़ते हो, पेन लेकर ऐसे अंडरलाइन किए जा रहे हो, वो किताब आपसे कहती भैया आगे तो चुप, बाद में पढ़ेंगे। वो जब आप उस लाइन को अंडरलाइन करते हो तो आपसे कहती है भैया, किताब सिर्फ जिंदा दिमागों से बात करती है, मुर्दा दिमाग को तो नींद आती है किताब पढ़ के। अगर आपको पता करना हो कि दिमाग जिंदा है कि मुर्दा, उसको किताब पकड़ा दीजिए और 4 लाइन पढ़ के अगर झपकी मार दे, समझ लिए मुर्दा दिमाग है। किताबों की सबसे खास बात यह है, और जिससे प्यार करती हैं उसको खुदा बना देती हैं। किताबें जिंदा दिमागों से बात करती हैं। भागिए मत, आप पेन लिए भागे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे भैया? अरे भैया आज शाम तक किताब खत्म करनी है। तो शादी करोगे शाम को? नहीं नहीं नहीं, तब फिर आए फॉर्मूला बैठाइए अपने दिमाग में। जब भी कोई नई चीज आपके सामने पड़े क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, और ये सोचिए कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये इस काल में क्यों पैदा हुई, ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई? उत्तर वैदिक काल में भौतिक मैटरलिस्टिक समाज की शुरुआत। ऋग्वैदिक काल कबीलाई समाज, जरूरत ही नहीं है कबीलाई, सब प्रकृति से जुड़े हुए साधारण लोग, सिंपल लोग। उत्तर वैदिक काल में भौतिक समाज का जन्म, कृषि अर्थव्यवस्था के जन्म ने भौतिक समाज को जन्म दिया। मैटरलिस्टिक, अच्छा कपड़ा, शहर, तो थोड़ा सा दिमाग खराब होगा ना। आज भी हमारे देश का जो गांव का आदमी है वो सरल है, दौड़ नहीं है ना। आप दिल्ली से जब सीधे गांव पहुंचते हो, गोंडा, बलिया, बस्ती, गोरखपुर के गांवों में जिंदगी शांत हो जाती है। एक तरफ आप दिल्ली में रोल्स रॉयस देख रहे हो, BMW देख रहे हो, मर्सिडीज देख रहे हो, और गांव पहुंचे 24 इंच की साइकिल लिए बड़े वाले काका आ रहे हैं कि आओ भैया सारी गर्मी खत्म, और कूद के साइकिल से बैल पकड़ लिए, ताकत देखो, और तुमको लग रहा है कि मैं आई एम अ कॉम्प्लेन बॉय, और हमको कुत्ता दौड़ा ले रहा है। जरूरत, आवश्यकता। और बुद्ध काल में भौतिक समाज का विस्तार, मेटरलिस्टिक सोसाइटी का एक्सपेंशन। बुद्ध काल में आएंगे ना नगर, नगरीय क्रांति, अर्बनाइजेशन, शहर। तो जहां डिप्रेशन है वहीं तो मन को शांत करने की जरूरत है। बाबा रामदेव की अमेरिका में बड़ी पूछ है,
सदगुरु की अमेरिका में बड़ी पूछ है, पंडित रविशंकर की अमेरिका में बहुत पूछ है, क्योंकि शहर नगरीय क्रांति अर्बनाइजेशन, डिप्रेशन का शिकार है आदमी, 4-4 करोड़ की गाड़ी में चल रहा है, 20-20 लाख का सूट पहन रहा है, लेकिन दिमाग खराब है। बहुसंख्यक तो उसे मन की शांति चाहिए, वो ध्यान करना चाहता है, लेकिन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में बाबा नहीं जा सकते कि कपाल भाती सिखाऊंगा। वो कहेंगे बाबा AK-47 दिलाओ, कपाल भाती कहां सिखाओगे, रोटी खाने को नहीं, ध्यान कराओगे? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो उत्तर वैदिक काल में भौतिक समाज का जन्म, मेटरलिस्टिक सोसाइटी का जन्म, बुद्ध काल में मेटरलिस्टिक सोसाइटी का विस्तार। तो उत्तर वैदिक काल में हमें 3 आश्रम दिखाई पड़ते हैं, वैसे तो हैं 4, लेकिन 4 आश्रम। पहला ब्रह्मचर्य, शिक्षा, जीवन में पहला उद्देश्य है शिक्षा, शक्ति है ना, तो जब शक्ति पास में आ, शिक्षा यानी शक्ति, या आप सारे लोग अपने गांठ बांध लीजिए, पढ़िए, पढ़ाइए, आपके घरों में ड्राइवर हैं, काम करने वाली हैं, और ज्ञान दुनिया में एकमात्र चीज है जो बांटने से बढ़ता है, वो है ज्ञान। धन बांटने से कम होता है। एक कॉन्सेप्ट पढ़िए और 4 आदमी को समझा दीजिए, हजम हो गया। दुनिया में ज्ञान एकमात्र चीज है जो बांटने से बढ़ती है। शिक्षित भारत, जागृत भारत, क्रांतिकारी भारत, जिस देश में सबसे ज्यादा युवा हो, वो भी लगभग 80% पढ़े लिखे हो, वो देश किसी के सामने गिड़गिड़ाए? हम तो, संख्या हमारी इतनी है कि एशिया में 10-12 देश को हम सिर्फ स्प्लेंडर में बैठ बैठ के कब्जा कर ले, सेना की जरूरत ही नहीं। सेना तो हमारी ऐसी है कि पूरी ब्रह्मांड पे कब्जा कर ले, भारतीय सेना का कोई जवाब नहीं। आश्रम, पहला चरण शिक्षा, ब्रह्मचर्य, शिक्षा का चरण, शिक्षा यानी शक्ति। शक्ति आ गई तो धन भी आएगा। तो दूसरा चरण गृहस्थ, परिवार, समाज, बहुत जरूरी है। गृहस्थ बहुत अनिवार्य आश्रम, गृहस्थ अनुभव का आश्रम, गृहस्थ इंद्रियों के सुख का आश्रम, गृहस्थ। अब मालिक ने इंद्रियां दी हैं तो उसका भी सुख लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ निषेध ही करना है, उनसे ऊपर उठना है। गृहस्थ इंद्रियों का आश्रम, क्या व्यवस्था है, इंद्रियों के लिए भी व्यवस्था कर दी। गृहस्थ अच्छा खाओ, अच्छा पति, अच्छा पत्नी, बच्चे। देखो भारतीय संस्कृति निषेध की बात नहीं करती, फिर जब इंद्रियों को भोग लिया और पता चल गया कि यार ये तो सीमित है, तो तीसरा वानप्रस्थ, पोस्ट 40। आज कितने लोग डायबिटीज के शिकार हैं, यूरिक एसिड के शिकार हैं, बीपी के शिकार हैं, कितने सारे लोग बस एक चीज पर ध्यान दे दें, सारी बीमारी खत्म। एक नियम आप जिंदगी में बना लीजिए, नो एक्सरसाइज, नो फूड, बस एक नियम, छोटा सा नियम है कि अगर मेहनत नहीं करेंगे तो खाना नहीं खाएंगे। हम लोग बचपन में कितना खेलते थे, मई के दोपहर में, जून के दोपहर में, दिन दिन भर क्रिकेट, काले होकर घर लौटे, मां ने मार के भगा दिया कि चोरी करने आए, किसका बच्चा है, अरे बोले आप ही के बच्चे हैं, फिर और मारे गए, इतने पागल हो, इतनी धूप में खेल रहे थे। नियम बनाइए, नियम, नो एक्सरसाइज, नो फूड, पोस्ट 40 आश्रम। तो तीसरा वानप्रस्थ, क्या साइंटिफिक तरीका है समाज को संभालने का, क्या कोई संस्कृति ने ऐसी चीजों को इजाद किया होगा। भारत, मेरा भारत महान, और संस्कृतियों की अपनी अपनी देन है, सबकी अपनी अपनी देन है। चीन की संस्कृति, ग्रीस की संस्कृति, इजिप्ट की संस्कृति, सबकी अपनी अपनी देन है, मैं वहां भी ले चलूंगा आपको, सबकी अपनी अपनी देन है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, ऐसा मत कहिए। एक सामान्य मन हमेशा छोटे बड़े पे आता, अच्छा सर ये बताइए भारत की संस्कृति महान है कि अमेरिका की, अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, सबकी अपनी अपनी देन है, हर क्षेत्र में सबने कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन भारत की संस्कृति अद्भुत, मानव समाज, मानव संस्कृति को श्रेष्ठतम बनाने की संस्कृति है, आर्य, आर्य बनाने की संस्कृति, आर्य यानी श्रेष्ठ,
अब वो श्रेष्ठ हिंदू हो सकता है, श्रेष्ठ मुसलमान हो सकता है, श्रेष्ठ ईसाई हो सकता है, श्रेष्ठ सिख हो सकता है, पुराई क्या है? क्या दिक्कत है? श्रेष्ठ सन्यासी हो सकता है। आज भारत के उत्तर प्रदेश में सन्यासी का ही शासन है, देखिए श्रेष्ठता। कोई भी श्रेष्ठ हो सकता है और सन्यासी जरूरत पड़ने पर कुछ भी कर सकता है। और वानप्रस्थ के बाद जब आपके परिवार की दूसरी अगली पीढ़ी ने सब कुछ संभाल लिया है तो सन्यास, उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करने का प्रयास, इंद्रियों से ऊपर उठकर चैतन्य में विलीन होने का प्रयास। क्या बात है, एक ही जीवन में दो ऑप्शन, काम भी और राम भी। क्या अद्भुत व्यवस्था है भारतीय संस्कृति की। एक ही जीवन में आपको काम भी मिलेगा, आपको राम भी मिलेगा, दोनों मिलेगा। आप इंद्रियों को भी जिए, आप उनका भी अनुभव लीजिए और फिर उनसे ऊपर उठकर चैतन्य पर पहुंचिए। आश्रम व्यवस्था, तीन चरण का विकास हुआ उत्तर वैदिक काल में। किस ग्रंथ में लिखा है? छंदोग्य उपनिषद में, उत्तर वैदिक काल में, छंदोग्य उपनिषद में। लेकिन सबसे ज्यादा आवश्यकता कहां पड़ी? बुद्ध काल में, भौतिक संस्कृति का विस्तार, तो चारों अवस्थाएं वहां पैदा हुई। किस ग्रंथ में लिखा है? जबला उपनिषद, जीवन को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने की व्यवस्था, जीवन में श्रम को करने के तरीके को समझाने की व्यवस्था। कोई 15 साल में कह रहा हम सन्यासी बनेंगे, अरे रुक जा भैया, वो भी टाइम आ जाएगा। क्या व्यवस्था है जीवन में दोनों उद्देश्यों को प्राप्त करने की व्यवस्था। कौन से दो उद्देश्य? काम और राम। क्या महान पहलू है, क्या महान उद्देश्य है आश्रम व्यवस्था। और ऐसी व्यवस्थाओं के बारे में पढ़कर विदेशियों को लगा कि नहीं नहीं भैया, ये तो बड़ा गड़बड़ है, अगर भारतीय ये सब समझ गए, भाई दिमाग विकसित करने की दवा कैसे देंगे? हमारे देश में दिमाग विकसित करने की दवाएं मिलती हैं, कंसेंट्रेशन बढ़ाने की दवा मिलती है। वर्ण व्यवस्था, गोत्र व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था। और उत्तर वैदिक काल के समाज में एक और बड़ी घटना घटी। कौन सी? पितृत्वात्मक समाज को बल मिला। गहपति, उत्तरवैदिक काल में गहपति का मतलब है घर का मुखिया, सर्वाधिक शक्तियां मिली। वो घर के किसी व्यक्ति को निष्कासित भी कर सकता है, पुत्र हो पत्नी हो किसी को भी। पारिवारिक इकाई मजबूत हुई। तो कबीलाई समाज से हम उत्तरवैदिक काल में नगरीय समाज की तरफ प्रस्थान करते हैं, जिनमें तीन अद्भुत चीजें, वर्ण व्यवस्था, सामाजिक वर्गीकरण, सोशल क्लासिफिकेशन, जिसका आध्यात्मिक पहलू इतना महान है कि मानव को भगवान बनाने की क्षमता रखता है। सोचिए, इस भारतीय संस्कृति का लोग, इस भारतीय संस्कृति का आदमी परेशान हो सकता है जिसके पास इतने बड़े बड़े अस्त्र हो। मैंने जब मां सरस्वती के आशीर्वाद से पढ़ना शुरू किया, मैंने जब अपने गुरुओं के आशीर्वाद से पढ़ना शुरू किया, श्री आशुतोष महाराज जी, महाराज अलगनानंद, जब मैंने इन लोगों के आशीर्वाद से पढ़ना शुरू किया, उन्होंने कहा ज्ञान चक्षु, हमारे यहां ज्ञान चक्षु कहा गया, आंखें खोलो, सिर्फ पढ़ो मत, सोचो, देखो, विजुअलाइज करो। गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल की है, लेटर वैदिक पीरियड की है। गोत्र व्यवस्था आज भी चल रहा है, बहुत सारी जातियों में, बहुत सारे समाज के वर्ग में आज भी चल रहा है। बहुत सारे तो आज भी गोत्र के मुद्दे पर बहुत कट्टर है। आज तो साइंटिफिक पहलू भी आ गया, वैज्ञानिक पहलू, कि जितनी दूर का रिश्ता होगा उतना बच्चा अच्छा पैदा होगा, जितना दूर का रिश्ता होगा। किन गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में, उसका क्या मतलब रहा होगा, उसका क्या महत्व रहा होगा? बहुत बड़ा महत्व। हमारी माताएं, बहने, बेटियां जो हमारे सामने बैठी हैं, सुने, पिछले 2000 साल इस व्यवस्था ने कैसे उनके विकास को रोका, कैसे जिन लोगों ने भी इसे माना उसने इस विकास को रोका कैसे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण पहलू गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में। पहला प्रश्न है क्यों, मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना,
नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई उत्तर वैदिक काल में कि गोत्र व्यवस्था का जन्म हुआ, और कैसे ये स्त्रियों की संकट का कारण बना? आश्रम व्यवस्था। आज तो लोग आश्रम नाम को ही बदनाम कर दिए। आश्रम बहुत बड़ा शब्द है, श्रम जीवन का सूचक है। यह न्यूटन का पांचवा नियम है, जब तक आप चल रहे हो, आपकी सांसें चल रही हैं, आपका हृदय चल रहा है, तभी तक आप जिंदा हो। श्रम जीवन का सूचक है, जीवन का। लेकिन श्रम दो तरह से होता है। आश्रम नाम देखिए क्या बात है। आ मतलब जगह, प्लेस, श्रम मतलब लेबर, ऐसी जगह जहां श्रम करना सिखाया जाए। आज तो अंग्रेजी में एक वर्ड लोग बोलते हैं, स्मार्ट लेबर करो, स्मार्ट लेबर, चश्मा लगा के करे, नहीं नहीं, अच्छा जींस पहने, अरे नहीं भैया, तब कौन सा स्मार्ट लेबर करे। अब दो शब्द हैं, एक श्रमिक, एक श्रमण। श्रमिक मजदूर, जो बेहोश है, जो बेहोश होकर श्रम कर रहा है, पता ही नहीं क्या कर रहा है। रिक्शा वाला रो रहा है, मेहनत कर रहा है, उसे पूछो कि भैया ये तुम रिक्शा ही क्यों चला रहे हो 10 साल से, कहता है भैया सब यहां मत्थे में लिखा है। ये मत्था है कि डायरी है? श्रमिक। श्रमिक मतलब वो व्यक्ति जो बेहोशी में मजदूरी कर रहा है, और श्रमण मतलब जो होश में श्रम कर रहा है। बुद्ध होश में है। व्यवस्था इस देश के सभी व्यक्ति को श्रमण बनाना चाहती। श्रमण भारत समाचार पर प्रसारित अवधनामा की इस सीरीज में आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगली एपिसोड में मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर आऊंगा। थैंक यू। जय हिंद।